एवरीवन, माय नेम इज़ मिनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डेली रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना समर स्किन केयर रूटीन। गाइस, यस दोस्तों, मेरी ऑयली स्किन है, माय कंप्लीट फेस इज ऑयली एंड काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। गाइस, आप इस वीडियो को कह सकते हैं समर स्किन केयर, आप इस वीडियो को कह सकते हैं समर हैक्स, तो जो नाम आप देना चाहें, बट टाइटल पे मैंने एक नाम दे रखा है गाइस। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कोई मुझे अगर पहली बार देख रहा है, तो मेरा जो फेस है वो कंप्लीट ऑयली है। वैसे भी गाइस, समर जैसे चल रहे हैं, तो ऑयली स्किन ही नहीं, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन, सारे ही स्किन टाइप जो अपने फेस पर चिपचिपाहट फील करते ही होंगे, स्टिकी स्टिकी फील करते ही होंगे, सहमत है ना मेरी बात से? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सहमत है कि नहीं। एंड मेन पे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि मेन जो है बाहर काम पे जाते हैं, तो उनको डेफिनेटली जो है चिपचिपाहट फील होती ही होगी। ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो कहाँ से शुरू होगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और डायरेक्ट वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए गाइज, तो दोस्तों फेस वॉश से शुरू करेंगे। और फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ क्लीन एंड क्लियर का ये फोमिंग फेस वॉश। एंड मैंने ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट फेस वॉशेज की रिव्यू कर रखी है अपने चैनल पर, तो आप देख सकते हो, पर आई बटन मैंने दे रखा है। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। एंड स्किन पे मैं जो टोनर यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, ये आयुर का टोनर है, तो आप बायोटिक का टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा मॉइस्चराइज़र है, मैं यूज़ करती हूँ लैक्टोकैलामाइन, रियली वेरी बेस्ट फॉर ऑयली स्किन। और ये दूसरा ऑप्शन है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र। ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र की भी रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, तो ऊपर आई बटन मैंने उसके लिए भी दे रखा है गाइस। एंड जो मैं फेस पे मास्क लगाती हूँ गर्मियों में, ये गार्नियर का सेरम मास्क है, आप देख सकते हैं, बहुत ईजी टू अप्लाई है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है ये, और सेरम बेस्ड है, तो सेरम बेस्ड चीज़ें जो है गर्मियों में लगाना बनती है फेस पे, क्योंकि हमारा फेस काफ़ी मतलब गर्मी से जो है टैन भी हो जाता है, काफ़ी ड्राई भी हो जाता है, मतलब एंड आप समझ सकते हैं गर्मी में आपको कितना मतलब फेस पे जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है गाइस। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़, अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं, आपको सनबर्न फेस पे होता है, स्किन जलती है ट्रैवल करके घर आते हैं, एक्ने मार्क्स है, पिम्पल मार्क्स है, तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं अपने फेस पे। तो इस तरीके से क्लीन फेस पे आपने जो एलोवेरा जेल लगानी है। एंड आप कोई भी ब्रांड की लगा सकते हैं, मेरे पास अरोमा ट्रेजर्स की है, आपको कोई भी ब्रांड सूटेबल है आप वो लगा सकते हैं, आपको काफ़ी सूदिंग फील होगा, ठंडक फील कराएगा आपको आपके स्किन पे, फेस पे, क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है एलोवेरा जेल की गाइस, तो आपको सूदिंग और प्रॉपर कूलिंग फीलिंग आएगी आपके स्किन पे। एंड पिम्पल मार्क्स, एक्ने मार्क्स, सनबर्न्स, ये सब हटाएगा आपके फेस से। 10 to 15 मिनट्स रखना है फेस पे, जैसे ये ड्राई हो जाता है नॉर्मल पानी से आप फेस को जो है क्लीन कर लीजिए, और वन टाइम में ही आपको मतलब काफ़ी मिराकुलस रिजल्ट नज़र आएगा ये एलोवेरा जेल को यूज़ करने से गाइस। इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर आवर स्किन, स्पेशली इन समर्स। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ डिओड्रेंट। दोस्तों गर्मियों में तो हम सभी जानते हैं कि अंडरआर्म से बहुत बदबू आती है, बॉडी ऑडर बहुत ख़राब हो जाता है एंड स्टिंग्स रियली वेरी बैडली। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो यूज़ कर रही हूँ मैं निविया का बॉडी डिओड्राइज़र, काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी बेस्ट है वुमेंस के लिए, गैस फ्री है एंड सिट्रस की खुशबू आएगी, काफ़ी अच्छी है। इंडिविजुअल रिव्यू मेरे चैनल पर है, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिएगा, मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स कर रखे हैं रिव्यू, मैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। इट इज़ रियली वेरी गुड, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा आप इसे। एंड गर्मी में दोस्तों हम जैसे ट्रैवल करते हैं, तो फेस पे जो है धूल मिट्टी आके चिपक जाती है, और आप जो है हर जगह पे अपना फेस क्लीन नहीं कर सकते, पानी हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इस तरीके से जो है वाइप्स रख सकते हैं अपने हैंडबैग में। आप चाहे तो इस तरीके के वाइप्स या बेबी वाइप्स कोई भी रख सकते हैं, बट वेट वाइप्स आप डेफिनेटली रखिएगा अपने बैग में। मेरे पास ये हिमालय की नीम वाइप्स है, वन वाइप इज़ रियली सफिशिएंट फॉर यू। जैसे ही आपको जैसे स्किन पे एक ऑयल की लेयर आ जाती है जब आप ट्रैवल करते हैं, तो बस इसे जो है अपने फेस को क्लीन कीजिए, तुरंत आपको फेस क्लीन नज़र आएगा अपना, और प्रॉपर जो डर्ट होती है ना जो हमारे फेस पे आके चिपक जाती है, एक जो लेयर एक परत होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इस वेट वाइप में, एंड यू विल फील वेरी नाइस एंड यू विल फील लाइक आपकी स्किन जो है एकदम क्लियर हो चुकी है। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है, आप समर्स में डेफिनेटली ऐसे वेट वाइप्स अपने पास रखिएगा। एंड फेस के लिए तो हमने जो है सनस्क्रीन लगाते ही है गाइस, बट आप लिप्स को अपनी क्योर करते हैं कि नहीं? लिप्स को क्योर करने के लिए ये बेबी लिप्स लगाई है, जो आलिया लव्स एन वाई वाली बेबी लिप्स है मेबेलिन की, SPF 20 है इसके अंदर, विच इज़ रियली वेरी गुड। लिप्स बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं होंगे, टैनिंग नहीं होंगी, जो काले काले ब्राउन ब्राउन लिप्स दिखते हैं ना, बहुत ही अजीब से दिखते हैं, तो ये टिंटेड है, आप इसे लगाइए, डेफिनेटली आपके लिप्स जो है सिक्योर हो जाएंगे, सन टैन बिल्कुल नहीं आएगी लिप्स के ऊपर। एंड आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये, बेयर फेस पे भी ये सब टिंटेड लिप बाम बहुत सुंदर लगता है गाइस, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे।
इट इज़ रियली वेरी गुड। एंड नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। आप फेस को तो मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया वीडियो की, पर आप बॉडी के लिए मॉइस्चराइज़र देखते हैं तो ज़्यादा करके जो है जो मॉइस्चराइज़र रहते हैं वो चिपचिपी फीलिंग देते हैं। ये निविया का एलो हाइड्रेशन मॉइस्चराइज़र है, रियली वेरी गुड फॉर एज अ बॉडी मॉइस्चराइज़र। मैं इसे यूज़ करती हूँ गर्मियों में और बहुत अच्छा है। अगर आपकी बॉडी की स्किन जो तेलीय है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रेटिंग फील देगा, चिपचिपा बिल्कुल नहीं आपको फील करेगा। एनी वेयर इन योर बॉडी यू कैन यूज़ दिस एज अ बॉडी लोशन, बहुत अच्छा है। इसकी भी इंडिविजुअल रिव्यू मेरे चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, सभी की रिव्यूज़ चेक कीजिएगा। खुशबू बहुत ही लाजवाब, वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी सूदिंग। एंड लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इज़ गाइस, अगर आप गर्मी में ट्रैवल करते हैं, चक्कर आते हैं, डिहाइड्रेटेड फील होता है, बेचैनी फील होती है, एनजाइटी फील होती है हमें जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो क्या करें आप? सादे पानी को पीने से अच्छा ना आप ऐसे ग्लूकॉन डी बना के पिए। ये मेरे पास ग्लूकॉन डी है, ऑरेंज फ्लेवर ग्लूकॉन डी है, विटामिन डी की तासीर रखता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, ताकत देगा आपकी बॉडी में और हाइड्रेटिंग फील करेगा, जो सादे पानी से आपको वैसा नहीं फील होगा जैसे आप ये ग्लूकॉन डी से आपको मतलब प्रॉपर ताकत फील होगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो गाइज़ आपने देखा कि किस तरीके से मैं अपना समर स्किन केयर रूटीन करती हूँ। इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल। आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको डेमो के दौरान बताया भी है, मैं इन पे भी ये चीज़ लागू होती है, तो डेफ़िनेटली आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। गाइज़ मेरी इस वीडियो को तो आप डेफ़िनेटली लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल डेली रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। गाइज़ मेरा एक और चैनल है जो कि है डेली टिप्स, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वहाँ पर मैं व्लॉगिंग एंड DIYs की वीडियो डालती हूँ, तो आप लोग उस चैनल पे भी जरूर जाइएगा, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी को अगली वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, बाय।